हमीरपुर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी, स्थानीय प्रशासन व विभिन्न विभागों के संयुक्त तत्वावधान में नशीले पदार्थों एवं इसकी तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित मिनी मैराथन के समापन पर उपस्थित युवा प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे उपायुक्त हरकेश मीणा ने कहा कि युवा पीढ़ी नशे जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए आगे आए और इसमें इससे दूर रहते हुए लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें। हमीरपुर में नशीले पदार्थों एवं इसकी तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त हरकेश मीणा ने कहा कि युवा पीढ़ी नशे जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए आगे आए और स्वयं इससे दूर रहते हुए लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करे। ये बात हरकेश मीणा ने नशीले पदार्थों एवं इसकी तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित मिनी मैराथन के समापन पर उपस्थित युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जिला रेडक्रॉस सोसाइटी, स्थानीय प्रशासन व विभिन्न विभागों के संयुक्त तत्वावधान के दौरान कही। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 7 दिसंबर 1987 को अपनी आम सभा में 26 जून को नशीले पदार्थों एवं इसकी तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस बार इस दिवस की विषय वस्तु हेल्थ फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर हेल्थ रखी गई है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है और कई गंभीर बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाते हुए हम इस बुराई को जड़ से समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए विभिन्न संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को स्वास्थ्य, मानवाधिकार, न्यायिक दंड की दिशा में एक पूर्णतावादी सोच तथा सामूहिक दायित्व की भावना से कार्य करते हुए नशीले पदार्थों के सेवन व इसकी तस्करी के विरुद्ध कदम उठाने होंगे। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि वे संकल्प लें कि जीवन में कभी भी नशा नहीं करेंगे और दूसरों को भी इन बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। ये मैराथन दौड़ पक्का भरोसे प्रारंभ होकर हीरानगर होते हुए राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के खेल मैदान में संपन्न हुई। अभियान के माध्यम से नशा मुक्त हमीरपुर, खुशहाल हमीरपुर तथा नशीले पदार्थों को ना कहें क्योंकि जिंदगी कभी रिवाइंड का अवसर नहीं देती का संदेश भी दिया गया। उपायुक्त ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और उन्हें मेडल, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र के साथ एक एक पौधा भी वितरित किया ताकि वे नशे जैसी बुराई से लड़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें प्रेरित कर सकें। मिनी मैराथन में 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्रों में साहिल प्रथम, संजीव कुमार दूसरे, हिमांशु तीसरे स्थान पर रहे जबकि किशन व अभिषेक को क्रमशः चौथे व पांचवें स्थान के लिए सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी आयु वर्ग के छात्राओं में शिवाली प्रथम, ऋचा दूसरे, रश्मि तीसरे, नैन्सी चौथे व काजल पांचवें स्थान पर रही। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्रों में ईशान पहले, आदित्य दूसरे व रोहित तीसरे स्थान पर रहे जबकि आयान मलिक व पीयूष क्रमशः चौथे व पांचवें स्थान पर रहे। इसी आयु वर्ग के छात्राओं में राशि प्रथम, इशिता दूसरे, कशिश तीसरे, पूजा चौथे व दिव्या राजपूत पांचवें स्थान पर रही। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी, आदेशक गृह रक्षक वाहिनी एस के कौंडल, सहायक आयुक्त सुनैना शर्मा, उपमंडल अधिकारी शशिपाल नेकी, जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा, जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी सुदेश धीमान, सहायक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपको सबको पता ही है, रिसर्च हमने देखा है रेड क्रॉस के थ्रू जो 87 से यूएन जनरल असेंबली ने ये स्टार्ट किया था, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर ड्रग का ओवर बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, क्योंकि ड्रग सभी तरह की होती है, बट जो आपको कॉलेजों में भी और स्कूल्स में भी सभी जगह हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये स्टेज आ गई है कि हमें इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। जब भी मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ या कहीं भी बैठते हैं तो यही बात चलती है कि आप ये जो ड्रग का एब्यूज है वो या ड्रग्स का जो ले रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट सेक्शन से पॉइंट आउट किया जाता है, तो मेरी एक अपील है हम कर आप बार बार बात करते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकतर स्टूडेंट या कॉलेज के बच्चे हैं, यूथ्स हैं, जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। उसके साथ हमारे कई सारे ऑफिशियल्स हैं जिनको जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिले, ये जो
मिनी मैराथन है जो क्रॉस कंट्री रेस हमने आज की थी। ये जो सिंबॉलिक है कि हम 26 जून जो हमने डे अडॉप्ट किया है उसको बैठ के हम रियलाइज करें कि हम किस स्टेज पे हैं, ड्रग के एस्पेक्ट में। तो मेरी सभी सेक्शन से, इनफैक्ट आप सारे बच्चे हैं, वो सारे जितने भी महानुभाव हैं, जहां भी आपको प्लेटफॉर्म मिले, जहां भी आपको कोई भी बच्चा या कोई भी गार्जियन या आपके कोई साथीगण है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इसमें फंस गया और वो एकदम सोसाइटी से बाइक आउट उसको कर दे, उसका क्योंकि वो उस स्टेज में पहुंच चुका होता है, वहां से उसको रिहैबिलिटेट ही करना पड़ता है। तो उसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे 3 जगह PHC में भी साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं डिग्री में, ये मेडिकल कॉलेज में तो है ही फैसिलिटी, बट वो स्टेज आए नहीं। मेरे सभी से इस डे के माध्यम से ये अपील है कि नशा जिसको हम लोग सभी तरह का होता है उससे बचें, और अपने साथीगण हैं जहां भी आपको प्लेटफॉर्म मिले इसको एनकरेज करें कि या रोकने में सहायता करें कि नशे से दूर रहें। वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।